तो मैं अर्ज की थी भी अल्लाह पाक ने इंसान की कामयाबी क्या इरशाद फरमाई, मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फाज, यह बंदा जहन्नम तो बचा दिता गया, जन्नत दाखिल कर दिता गया, ये बंदा कामयाब। हुण ये कामयाबी कैको मिल सी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंदे वास्ते चार अमल दसैन, बस मैं मुख्तसर जे उहे चार अमल अर्ज करते तुहाडे कोल इजाजत गिनसा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहला अमल दसा फल्लदीना आमनू बिही, के बंदे मेरे आखिरी पैगंबर हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सारिया को सल्लल्लाहो, बुलंद आवाज नाल सल्लल्लाहो, इस तो थोड़ा जा उचा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम दी जात ते ईमान घेना में। नबी पाक अलैहि सलाम दी जात उते ईमान दा क्या मतलब है? असा सारे दा दावेदार है असा मोमिन है, ते नबी सही दे उते ईमान दा मतलब क्या है? नबी सही दे उते ईमान दा मतलब है बंदे दा ए यकीन होवे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह कलू जेड़ी शरीयत जेड़ा दीन जेड़ा मसला जो चीज गिनते हैं वह सारी हक है सारी सच है। यह नबी पाक अलैहि सलाम उते ईमान गिन आवण दा मतलब, अल्लाह आपा को भी इयो यकीन नसीब फरमावे। हुण बाज़ बंदे नबी पाक अलैहि सलाम दी सारी गालीं दे उते यकीन भी नहीं रखेंदे, अपने आप को मोमिन भी आदे, लेकिन याद रखा है ईमान वो ईमान हो सी जिहड़ा अल्लाह ताला दे हां मोतबर ईमान होवे। हूँ ईमान उत्ते अल्लाह ताला जन्नत भी दे सन कामयाबी भी दे सन, ते जिहदा ईमान कामिल नहीं ईमान ना किसे ई बंदे वास्ते जन्नत दा मिलना बड़ा मुश्किल है। जन्नत मिल सी ईमान की बुनियाद ते, ते ईमान ही कामिल होवे। बाज़ लोगों का ईमान कामिल होंदा और बाज़ दा नाकिस होंदा है। मैं अपने बारे में जल्ले सोचे ना तो मेरा दिल गवाही देंदा है जो मेरा ईमान अजन कामिल कोई नहीं, मेरा ईमान अजन नाके से जन्नत मिलना तो बड़ी दूर दी बात है। बात सईदना हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दा जमाना, जैद नां दा एक बंदा यहूदी बड़ा सखी आई जेड़ा वन्या अपना पराया मुसलमान काफिर यहूदी हर कहीं को सखावत करेंदा। जल्ले वह मरण लगा तो इलाके दे उलमा कट्ठे होते गए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दे कोल, आज कर लगे हजरत ए यहूदी बड़ा सखिया अपने नाल बड़ा तावन करेंदा, तो ये हुण मरदा पी अगर इंदा खात्मा ही हाल थी गया तो यह यहूदी उत्ते खात्मा थी सी, ए ता सीधा जहन्नम दा बल बन सी, इवें करो जो आप सारे रल ते चलो इको दीन ईमान इस्लाम की दावत दियो, क्या पता है बंदा अपनी दावत नाल कलमा पड़े चा अल्लाह एक जहन्नम तो बचा ते जन्नत दा हकदार बना देवे, आप चलते को दीन ईमान इस्लाम की दावत दो। सईद नहत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, मियां मैं ही टाइम मसरूफ हाँ, तुसें उलमा हो अहलुल्ला हो तुस वे को दीन इस्लाम की दावत दो, अगर इंदे मुकद्दर च है तो कलमा पढ़ गिन सी, चुनाचे ए उलमा कट्ठे हो तो ई यहूदी को आए ई को आते इन्हें ईमान इस्लाम कलमा इस्लाम की दावत दीती। ए यहूदी आखन लगा, मियाँ ईमान है दो तरह का, एक ईमान है इमाम आजम अबू हनीफा वाला और एक तुहाड़े वाला ईमान। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जैसा ईमान जो तू समय को आको भी ओ ईमान घेना, ते यहूदी आखन लगा जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दा ईमान तो इतना आला दर्जे का ईमान है कि मैं जैसा कमजोर बंदा इहो जिहा आला दर्जे का ईमान नहीं घेन आ सकता, मैं कमजोर हाँ। ते जे अगर तुसा आखो बई जिमें सारा ईमान है सारे ईमान जैसा ईमान घेना, तो यहूदी आखन लगा बंदा ईमान ही घेन आवे तो ईमान ही तुआरे जैसा घेन आवे, तुआरे जैसा ईमान घेन आते मैं कोई शरम आती जो ए ईमान ही भला कोई ईमान है जरा तुहारा ईमान है। यहूदिया को ए ताना खा गया, उन्होंने उलमा को ताना यहूदी का खा गया, लाजवाब होते उठी तो आ गए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को, अर्ज कर लगे हजरत उसने तो साकू एडा ताना मारा जो यहूदी सारा ईमान तस्लीम नहीं करेंदा, ते अल्लाह पाक सारा ईमान किवें तस्लीम करे सी, साकू किवें जन्नत मिल सी, साकू तो अपने ईमान की फिक्र पै गई है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिहड़ियां गाली तुसा यहूदी दियां मैं को सुनाई है ना, यहूदी की गाली सुनते मैं को खुशबू पई आंदी है, अगर अबू हनीफा चला वञे तो अल्लाह को ईमान की दौलत नसीब फरमा दे सी। चुनाचे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह चले जिले उनके घर पहुंचे,
दरवाजे को दस्तक दिती दसाया अंदर तशरीफ गिना है ऊं यहूदी दी निगाह पई इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दे चेहरे ते निगाह पौंदे उंदी जुबान तो निकला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान ता आला दर्जे दा ईमान मतलूब है। हुण हर बंदा अपने बारे आदे मैं मोमिना ओ काफिर है, मैं मुसलमान हाँ वह मुसलमान कोई नहीं। मैं हुण कुरान कोल पुछदा जो ईमान वाले कौन होंदे न, वल आपा सारे कुरान दे शीशे च देख सू जो आपा ईमान वाले हैं या कहना अगर ईमान वाले हैं तो केड़े पानी च खड़े हैं, कितना अपना ईमान है। आप ये गाल पुछदे कुरान कोल, कुरान का फैसला तो सारे मने दे ना। कुरान ने ईमान वालों के मुतलक दसाया فَرَمَا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم। इन आयत अल्लाह से ईमान वाले दे सैंड ईमान वाले कौन होंगे फरमाया ईमान वाला दी पहली अलामत है الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم। ईमान वाले कामिल ईमान वाले ओ होंदे न, असल ईमान वाले ओ होंदे न जेले उना दे सामने अल्लाह दा नां आवे ता अल्लाह दा नां सुन ते उना दे दिल अल्लाह दी अजमत दे खौफ कलू डर वेंदे न। ओ मुसलमानो आज मैं जेड़े वेले कुरान दी दसाई हुई ही अलामत को देदा अक्सर मुसलमान च मैं को नजर नहीं आंदी। इरु अजान दी आवाज पई आंदी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर हय्या अलस सला हय्या अलल फला अल्लाह दा बुलावा पिया दे, लेकिन मुसलमान तस तो मस नहीं थींदा। कुरान दे मोमिन कामिल ओ होंदे जो अल्लाह दा नां सुनते उना दे दिल डर वेंदे, लेकिन अज दे मुसलमान दा ले जो सिपाही दा नां सुनते ते ए डर वने। सिपाही दे बुलावे ता फौरन आवे, लेकिन अल्लाह दा नां सुनते डरे भी ना। अल्लाह दे बुलावे ते आवे ना ता कुरान दी दसाई हुई अलामत लग दे जो इना ईमान कामिल नहीं। कामिल ईमान उना लोगा दा होंदा जो अल्लाह दा बुलावा आवे ए सारा कुछ छोड़ ते अल्लाह को आखे लब्बैक या रब। अल्लाह तेरे सदन दी गाल आईए तेरी तरफ दावा ताईए तेरा बंदा हाजिर है। जेड़े वेले बंदे दा ई ईमान बन वने ई अमल उंदा बन वने ही बंदे दा ईमान कामिल होंदा। सारे बुजुर्गों में हजरत मौलाना मुहम्मद अब्दुल्ला बहलवी रहमतुल्लाह अलैह दी ईमान अफरोज गाल है अल्लाह दे बुलावे ते कीवें लब्बैक आ दिन। उन्हां दा खलीफा गुलाम मुस्तफा दे जो हजरत बहलवी रहमतुल्लाह अलैह दा मामूल आई रमजान शरीफ च सुबह इशराक तो बाद हदीस ते तफसीर दा सबक पढ़े दिन कुछ देर औरतों को मसायल दसे दिन। साढ़े बारह बजे फारिग होते साढ़े बारह तो डेढ़ बजे तक एक घंटा आराम करें दिन। ही मामूल दे मुताबिक एक दिमार हजरत बेलवी रहमतुल्लाह अलैह साढ़े बारह बजे बिस्तर ते आयन आराम करने वास्ते। इवें समदे पयन मुअज्जिन ने घड़ी ते नजर मारिए टाइम तो साढ़े बारह का, लेकिन उंदे दिल च आए जो शायद साढ़े बारह नहीं बल्कि डेढ़ पिया बजद है। वो साढ़े बारह को डेढ़ समय ते वहां ते स्पीकर आन करते आके अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अजान शुरू कर दी है। ये खलीफा गुलाम मुस्तफा दे मैं देखदा प्यामी जो हजरत बहलवी रहमतुल्लाह अलैह इवें सम्मण वास्ते अपना सिर सिराने ते रखे दे पयन। इवें सिराने दे करीब सर गिए ते कन्ना विच अल्लाह दा बुलावा अल्लाह दी बड़ाई दा ऐलान अजान दा ऐलान आए। हजरत बहलवी रहमतुल्लाह अलैह बजाय अपना सर सिराने ते रखण दे उठे ते सीधे थी ते बह गए। फरमाने बेटा गुलाम मुस्तफा जी हजरत फरमाया अल्लाह दा बुलावा आ गई पानी दा लोटा पेश कर मैं वुजू करा ते अल्लाह को अपनी हाजरी लवा छोड़ा अल्लाह को दसावा जो अल्लाह तेरा हुक्म आ गई। हुआ के हजरत मैं ता घड़ी देदा पिया अजन ता बड़ी देर है मुअज्जिन भूल गिए। ओ मियां सारा मुअज्जिन भूलदा नहीं रोजाना सारा मुअज्जिन पांच टाइम अजान दे दे, लेकिन साढ़े चू कितने मुसलमान हैं जेडे अल्लाह को अल्लाह दी बारगाह च हाजरी लवा ते राजी करें। 90-95% लोग तवज्जो ही नहीं देंदे दे।
चार पांच फीसद लोग तवज्जो देने नमाज कामिल नमाज नी नाकस नमाज अदा करेने लेकिन हजरत बेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ओला मुस्तफा लोटा पेश कर मेरा मुअज्जिन भूल गए तब बेलवी नहीं भूल सकता अल्लाह दा बुलावा आवण दे बाद बेलवी हुण आराम नहीं कर सकता नहीं सम सकता सवा घंटा डेढ़ घंटा बुढ़ी जिंदगी वाला बुढ़ी उम्र वाला अल्लाह दा वली मस्जिद बैठे अल्लाह को याद बैठा करें दे अल्लाह को दसेंदा बैठे जो अल्लाह तेरा बुलावा आवण दी दे रही बेलवी आवण ते वत देर नहीं कीती ईमान कामिल दी निशानी इयो गुलाम मुस्तफा आदे एक जवान हजरत बेलवी रहमतुल्लाह अलैह हजामत बैठे बणवावन ए हिस्सा सफा करा गी दा ए जे नरम हिस्सा होंदा ना हड्डी तू उत्ता उत्ता ए वाल साफ करवावणे जायज हैं कोई ना करावे हुंदी मर्जी हजरत बेलवी रहमतुल्लाह अलैह साफ करवांदे बैठन एक पासा साफ हो गया नाई इस पासो साफ करण लगे ते मुअज्जिन ने आवाज दी थी अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर हजरत बेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन नाई दा हाथ पकड़ के दे फरमाया बेटा अल्लाह दा बुलावा आ गई है हुण बेलवी पहले अल्लाह को हाजिरी लवैसी उंदे बाद हजामत मुकम्मल करवैसी तू सही में ना करा है बेशक लेकिन सुभान अल्लाह ता को जा असा तो रोज वाज कर करते थके वदे तो तू सा मेरे ख्याल एक दिमार सुन सुन थके बैठे वे सुभान अल्लाह को नजरी हजरत बेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया मियां पहले अल्लाह का हुक्म उंदे बाद हजामत मुकम्मल वो नहीं आखन लगा नहीं मेरे जोड़ आंदे ना मैं हुण गाल इन्हां दे बारे कई नहीं करना मतलब कोई बैठा होते नाराज थी पवे वो नहीं आखन लगा हजरत ख्याल फरमाओ दूर दूर तो पूरे मुल्क पाकिस्तान तो लोग आंदे तेरे दीदार वास्ते ज़ियारत वास्ते बैत वास्ते अकीदत लैते आंदे एक पासो हजामत बाएं पासो सुंडे बाल खड़े होवन वो आवन वाले देखते क्या आखसन यही भला अल्लाह का वली नेक बंदा पीर है एडा वड्डा ना सुना से हालत है जो एक पासो हजामत बाएं पासो वड्डी थई खड़ी है क्या खेसन लोग हज बेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया लोग कुछ आके न को इंद नाल परवाह नहीं परवाह ई गाल नाल जो रजियार त राजी थी पवे अल्लाह त राजी थी पवे मैं तो अल्लाह को अपना बनावणे अल्लाह को दिखावणे जो मैं तेरे आर्डर दा पाबंद आ हुण दसो यही हजरत बेलवी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह शान ते मकाम क्या ता फरमाया जिथो लंघ दे गए अल्लाह उन्हां दे कदमां दी बरकत नाल दीन दी बहारां पैदा करेंदे गए एक वड़े आलम को मैं सुना उन्हां दे मुरीद हैं खलीफे उन्हां दे उन्हां फरमाया मैं एक दफा बेलवी रहमतुल्लाह अलैह दे नालम ते साडी मोटर खराब थी गई हजरत बेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उथे कपड़ा बिछाया बह गए कुछ देर दे बाद नमाज मगरब दा टाइम होया हजरत बेलवी रहमतुल्लाह अलैह उथे अपना रुमाल चा बिछाया तो हुंदे उते नमाज भी अदा फरमाई गड्डी बणदी रह गई ते हजरत नफला पढ़दे रह गए आदन कुछ अरसे दे बाद हजरत बेलवी दुनिया तो चले गए मेरा हूं रस्ते तो जड़े गुजर होया मैं इवें ख्याल करेदा वेदा मी जो एक दफा साडी मोटर इते खराब थई आई ते हजरत बेलवी सा को नमाज इते इवें सड़क दे किनारे पढ़ाई आई आदन जले मैं हूं जा तो गुजरम तो मैं डिठा जिता बेलवी ने सजदा दिता अल्लाह उथई बड़ी सारी मस्जिद आबाद फरमा दीती है अल्लाह वाले लोग जिथा कदम लेंदे अल्लाह बरकता ते रहमता पैदा फरमा देंदे खैरात बैठा करे नाम जो कुरान वाला दी निशानी ईमान वाला दी निशानी कुरान ने बयान की थी जो अल्लाह दा नाम सुन ते उना दे दिल डर वेंदे हुण कोई जो बारू आता के सिपाही सरेंदा पिए मजाले जो कोई जवान दा पुत्र आके सी मैं नहीं आंदा कोई हे अपने जो हिम्मत आला जो बंदा आके सिपाही सरेंदा पिए को मैं नहीं आंदा है इवें मां ओ रजाकारी भावे क्यों ना होवे वर्दी पाती आवे असा कब दे खड़े होंदे सिपाही आ खड़ा सही कौन इनकार करे मतलब ढक देवे सिपाही दा तक इतना खौफ है अल्लाह दा बुलावा रोजाना पांच टाइम आंदा पिए जवाना तक कड़ा हया नहीं है जो मेरा अल्लाह सारे जहान तू वड़ा ताकत वाला है अगर मैं हूं दी पुकार ते लब्बैक ना आखी तो वह नाराज थी ते ए सिपाही सिर्फ जेल पहुंचा सी अल्लाह नाराज हो गया तो ठिकाना जहन्नम बन सी इस वास्ते अल्लाह दे बुलावे आमर ते सारे मस्जिद हाजरी दिता करो अल्लाह मैं समय तक सारा को तौफीक अता फरमावे।